brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और हम अपना बिल्डअप कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2022 का होना है। मैं हूं निखिल नाथ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल रावत। और आज के हम वीडियो में क्या कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिड कौन से वो 10 खिलाड़ी है जिन्हें मिलेंगे आईपीएल ऑक्शन में। नाम तो हमारे जहन में 30-35 थे जो बहुत हाई बिड के लिए जा सकते हैं, और अंत में बिड का क्या होता है देखिए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कब आपका नाम आता है, लेकिन ये हमारा एक अंदाजा है। ठीक है राहुल, सबसे पहले हम दर्शकों के लिए आसान करने के लिए कुछ 20 या 25 नाम लिख लेते हैं जो हमें लगता है टॉप कंटेंडर्स है हाईएस्ट बिड के लिए, उसमें फिर हम एक एक करके एलिमिनेट करेंगे और 10 नाम। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, आप मुझे नाम प्रॉम्प्ट कीजिए, मैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। हर्षल पटेल, चलिए ये सिर्फ वन वर्ड में लिख दीजिएगा उनका नाम। हर्षल पटेल, श्रेयस अय्यर, श्रेयस लिख दीजिए। ओके चलिए सारे श्रेयस ही लिख दे बस। ठीक है नेक्स्ट आपके आगे शिखर। ओके किशन, ईशान किशन लिख दिया। हाँ किशन लिख दिया। शिखर, शिखर यूजी चहल, चहल दीपक चहल, दीपक चहल एक और आ जाता नाम में से, दीपक चहर नीचे आ गया था। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा सारे नाम और बताइए। दीपक चहर हो गया, रबाडा, रबाडा बोल्ट, जेसन होल्डर, क्विंटन डिकॉक क्यूडीके, और बताइए। आप बता रहा हूं आपको मिच मार्श, मिच मार्श आपके हो गए, बोल्ट हो गया, ट्रेडबोर्ड हो गया, हेजलवुड हो गए, कमिंस, वार्नर, वार्नर श्रेयस अय्यर हम ले चुके हैं, वो लिखिए देवदत्त पडिक्कल। ओके देवदत्त पडिक्कल, और आपके शाहरुख खान, ऐसा आपके चलेगा? हाँ ऐसा आपके चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और क्या नाम है जो बहुत सारे नाम आप मिस कर रहे हैं अभी, जैसे कि अश्विन, आपको लगता है कहीं आ सकते हैं? नहीं मुझे नहीं लगता, आप लिख लिए उनका नाम, बट मैं वो चलिए अश्विन। अच्छा जोफ्रा आर्चर का नाम मैं इसलिए ले आ रहा क्योंकि शायद अभी भी सुनने में आ रहा है वो अवेलेबल नाम हो। नहीं, नाम जोफ्रा आर्चर अवेलेबल हैं। नहीं उनका नाम आ गया है। सो बेसिकली अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जोफ्रा आर्चर के साथ क्या होगा, जोफ्रा आर्चर पहले सीजन एटलीस्ट इस सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी जो भी उनको लेता है वो उनको अगले दो सीजन के लिए लेगा, इस सीजन तो वो कोई देखे, बट जो मेरी फ्रेंचाइजीज में बात हुई है फ्रेंचाइजीज उनको लेने के लिए तैयार है, एटलीस्ट हाईएस्ट बिड में जाएंगे। नहीं नहीं ऑफ कोर्स नॉट, जो तो वही कह रहा हूं अभी तो फिर आप अगर मैं बोल रहा हूं उनको आप 15 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं, अगर अभी अवेलेबल सीजन के लिए आप दो सीजन के लिए 15 करोड़ नहीं देंगे, अभी अवेलेबल होते तो हाईएस्ट बिड पे जाते, नहीं है तो मैं इसलिए। और बताइए जी कोई नाम आप लोगों के, जैम्पा, जैम्पा को आपको लगता है? नहीं, जैम्पा इस असरंगा को भी मैं उस लिस्ट में नहीं, ये मैं लॉकी फर्गुसन। ओके लॉकी फर्गुसन, और कोई नाम ऐसे, मतलब कुछ ऐसे नाम है जो शायद नहीं आएंगे, वैंडरडर्सन है पर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से टॉप पिट में, फैफ टू प्लेसी नाम डाल रहे हैं आप, फैफ टू प्लेसी देखते हैं आगे क्या करना है, फैफ टू प्लेसी है, एडियम माक्रम कोई लोग बोलेंगे बट मुझे नहीं लगता इस टॉप लिस्ट में आने वाले हैं वो, इतना अगर आप देखें तो लगभग यही नाम मुझे लगता है। नहीं मुझे लगता है हम काफी और नाम मिस कर रहे हैं, कोई बोलर्स, ट्रेंट बोल्ट हमने डाल दिया है, सब डाल दिया, लॉकी फर्ग्यूसन आपने डाल दिया है, पैट कमिंस आपने डाल दिए हैं, और डाल दिया, और इंडियन बैटर्स आपको कहीं, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर जा चुके हैं, शार्दुल, ओके शार्दुल ठाकुर है, और आवेश खान, आवेश खान, और कोई जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, बेस्टो आप डालना चाहे डाल दें, डाल दें आप बेस्टो हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई फास्ट बॉलर हम मिस कर रहे हैं, एक्चुअली दिमाग में इतने सारे नाम
है, कुछ मिस भी हो सकते हैं। ओइन मॉर्गन मिस, ओइन मॉर्गन हाईएस्ट बेड, नो कैप्टन, कैप्टन के लिए कंटेंडर हो सकते हैं। चलिए जी, ओइन मॉर्गन, और कोई नाम फास्ट बोलर मुझे एक बताइए कोई। शाहरुख खान को रख रहे हैं आप, दीपक हुड्डा को नहीं रख रहे पर नहीं ठीक है। शाहरुख खान जो लेके आते हैं चीज उसमें ना हो, कुलदीप यादव पता नहीं, आई डोंट थिंक टॉप बिड में उनका नाम होगा। नाम डाल एलिमिनेट कर देंगे, डाल दें ठीक है। चलिए और कोई नाम अगर आप लोगों के जहन में कोई बाद में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, हम सुन रहे हैं देख रहे हैं आप लोगों को। तो टॉप 10 बिड्स हैं ये मेगा जो आईपीएल ऑक्शन होने वाला है इस वीकेंड, उसके लिए हमने कुछ नाम यहाँ पे रखे हैं इस बोर्ड में। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफी दीजिएगा, पर बहुत अच्छी आपकी हैंडराइटिंग। पर ये जो नाम है अब हम इनमें से एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमें चुनने हैं 10 नाम जो इस आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं, जिनके पीछे भागेगी फ्रेंचाइजी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
मेरे लिए ओएन मॉर्गन नहीं आते, आपके लिए आते हैं टॉप 10 लिस्ट में? टॉप 10 लिस्ट में मैं आई थिंक पहले कुलदीप को लेकर, हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ, जो भी आप नहीं ओएन मॉर्गन अच्छा रखना क्योंकि अच्छा, चले, 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 नहीं क्योंकि ओएन मॉर्गन से मेरे को देखिए ओएन मॉर्गन पिछले सीजन बिल्कुल फ्लॉप रहे एज अ बैटर, बट एज कैप्टन वो अपनी टीम को फाइनल खिला के ले थे, ठीक है, लेकिन इसी बहुत मुश्किल होगा 10 में आने में, ठीक है मुझे लगता है। एनीवे नेक्स्ट करते हैं फाफ टू प्लेसी, आपको लगता है टॉप में आएंगे? अच्छा सीजन रहा था उनका बहुत, लेकिन मैं इसलिए शायद उनको नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो इनका आना आप रखना चाहते हैं? मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इनको क्या 23वां नाम एलिमिनेट करना चाहेंगे फाफ को या किसी और को? बड़ा मुश्किल है किसी को भी एलिमिनेट करना, ये सारे नाम ही इतने टफ है, आप बताए ना कहाँ है, तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। आपको लगता है टॉप 10 में अश्विन हो सकते हैं? नहीं अश्विन नहीं आएंगे, आप मेरे से पूछ ले मैं तो फटाफट बता दूंगा जो। अरे वाह तो अच्छा फिर हाँ, मतलब कोई एक वो ऑर्डर की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है आ ही नहीं सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े है। नाम है लेकिन क्योंकि इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं रहा आईपीएल में तो मुझे हेजलवुड अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने क्या, लेकिन वो टॉप 10 में आएंगे? टॉप 10 में आने के लिए उनको टॉप 5 बॉलर में होना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता वो है, आप हटा दें हेजलवुड को, हम हटा सकते हैं। अगेन देखिए ये सब नाम यहाँ आए इसलिए कि इनके बिट्स बहुत ज्यादा ही जाएंगे हमें लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ अगर टॉप 10 कर रहे हैं तो उन नामों को हटा रहे हैं जो हमें लगता है टॉप 10 में नहीं आएंगे। लॉकी फर्ग्यूसन टॉप 10 अगेन ग्रेट बॉलर, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन टॉप 10 में उनका आना मुश्किल लग रहा है मुझे। बॉलर्स निखिल बस बोल रहे हैं बैट्समैन पे आ जाए, वाइप देम ऑफ, बैट्समैन में आ जाए, बैट्समैन में मुझे मुश्किल लगता है। टी20 टॉप 10 की बात है, अगेन इनको बिट्स बहुत मिलेंगे, बहुत टीमें चाहेंगे, केकेआर के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा। टी20 क्रिकेट में जैसे एक्चुअली फास्ट बॉलर्स या गेंदबाजों का हाल होता है, निखिल यहाँ पे इस बोर्ड में भी गेंदबाजों का वही हाल कर रहे हैं, करना पड़ेगा, ठीक है। बेस्टो रखना चाहेंगे आप? बेस्टो मुश्किल है, उनको तो एसआरएच के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कई बार वहां फाइट चल रही थी, अगेन फॉरेन बैट्समैन का कई बार थोड़ा टफ होता है खेलना। और मॉर्गन टॉप 10 नहीं, मेरे तो नहीं आते टॉप 10, कुल नहीं आते। चलिए अब आपने फैफ भी नहीं आते मेरे लिए टॉप 10 में। देवदत्त पाटीकर हालांकि अच्छा इनके मेरे को लगता है बिडिंग होगी, लेकिन टॉप 10 नहीं, टॉप 10 नहीं। यूजी चहल अभी उनको मैं रखना चाहूंगा, देखना चाहूंगा, अब देखें कितने आपके पास बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बचे, अभी भी 6 नाम शिखर ने टॉप 10 तो टफ है बट नहीं आएंगे टॉप 10 में। अब बच आपने दो ओपनर्स एलिमिनेट कर दिए, हाँ 5 नाम बचे हैं, इनफैक्ट 3, जॉनी बेस्टो, देवदत्त पाटीकर, शिखर धवन, 1
स्वाइप में। करेक्ट, उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे आपने बताया बहुत टीमों ने ओपनर्स रखे हुए हैं, किन किन टीमों के पास ओपनर है? बिल्कुल, तो हम वही इनफैक्ट हम स्पोर्ट्स टुडे पे अभी बात कर रहे थे कि ज्यादातर जो टीम्स हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स रिटेन करे हैं, फिर चाहे वो नई हो या पुरानी फ्रेंचाइजी हो, रोहित शर्मा रिटेन्ड है, पृथ्वी शॉ रिटेन्ड है, केएल राहुल को ले लिया गया है, वहां से शुभमन गिल है, शुभमन गिल को आपने रिटेन किया, वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने किया है, शुभमन गिल को जैसे आपने बता ही दिया, तो ज्यादातर तो इसलिए फिलहाल आई थिंक वो और ऑप्शंस देखेंगे। हालांकि अगेन मुझे लगता है शिखर को काफी बिड है, लेकिन टॉप 10 में अभी मुश्किल है। बट मेरा सवाल निखिल आपसे एक ये है कि हम जितने भी अगर हम ये बैट्समैन को या बैटर्स को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो कैप्ड हैं, कुछ क्या सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कैप्ड है, एक्सेप्ट एक नाम है यहाँ पे जो अनकैप्ड है, सिर्फ एक अनकैप्ड प्लेयर है यहाँ पे, आवेश खान अनकैप्ड है, ओ एक्चुअली शाहरुख खान भी है, शाहरुख खान अनकैप्ड है, दो है, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो कैप्ड बैटर्स हैं उनके नाम पहले आएंगे बिडिंग के लिए, तो फ्रेंचाइजी किस कहीं पैसा खर्च करना चाहे उनके लिए जाता है, लेकिन कईयों के लिए रखेंगे, जैसे शाहरुख खान एक ऐसा नाम है, मुझे लगता है कई टीमों के प्लान में होंगे क्योंकि लोअर ऑर्डर बैट्समैन वो भी इंडियन मुश्किल से मिलता है, तो ये जहन में होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिखर धवन को हमने एलिमिनेट करने में थोड़ी जल्दी कर दी हो, टॉप 10 में मुश्किल, मैं वही कह रहा हूं, देखिए ठीक है ऑप्शन होता है अगर ईशान किशन और शिखर में, तो किशन के उसलिए मैं ओके पर चाहता, दीपक चहर रहेंगे शायद मेरे टॉप 10, आवेश खान इनके लिए भी काफी बिट होगी, मुझे इंडियन फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर है, वही चीज है कि अभी बड़ा टफ सा सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। अच्छा अब नाम कितने रह गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नाम है, 5 एलिमिनेट कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ आप एक पिक करें जो होंगे, मैं अब वो नाम पिक करते हैं जो होंगे ही होंगे, राइट, नहीं वो फिर टफ हो जाता है, मैं कहता हूँ नहीं आप वो बताइएगा फॉर श्योर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ रबाडा होंगे टॉप 10 में, वो ये ना हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, रबाडा होंगे, श्रेयस होंगे, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रबाडा होंगे, हाँ श्रेयस अय्यर होंगे, होंगे ईशान किशन होंगे, ट्रेंट बोल्ट पता नहीं मुझे, मुझे लगता है जेसन होल्डर होंगे, होंगे मिचेल मार्श ये भी होंगे, प्रॉब्लम ये है कि ये अनफिट हो जाते हैं कई बार, नहीं वो तो इनकी फ्रीक इंजरी हो गई थी, वो ठीक है आपके पास, बट मुझे लगता है मिचेल मार्श एक्चुअली होंगे, चले पांच ये हो गए सर, पांच ये नाम हो गए, शार्दुल ठाकुर आपको लगता है? वैसे मुझे लग रहा था लेकिन अब क्योंकि इतने okay, मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर का नाम, दीपक चहर अहेड ऑफ शार्दुल, बट मे बी दोनों आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ एलिमिनेट करें आप दोनों, बट नहीं मैं एलिमिनेट ही कर फर्स्ट, अब आप पहला नाम एक, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, पहला नाम लिस्ट से हटाएं, श्रेयस अय्यर, रबाडा, ईशान किशन, आप बताएं इसमें से लिस्ट कौन है लास्ट आपके लिए, इसमें लिस्ट में कौन है जो नहीं है, मैंने एक्चुअली आपके लिए थोड़ा नैरो डाउन कर दिया था, आपको 10 में से 5 नाम एलिमिनेट करवा रहा था, नहीं हो पा रहे ना, मैं बता रहा हूं लास्ट कौन है इस लिस्ट में आपके लिए, नंबर 15 पे कौन है वो हटेगा, अगर हम दोनों अग्री होते हैं तो जाते हैं, इन सबको देखते हुए मेरे लिए तो चलिए मैं अब आपको बताऊं 3 नाम मैं दे सकता हूं जिनके लिए मैं थोड़ा बहुत इफी था, शार्दुल ठाकुर आप हटा सकते हो, हटा दो जी, चले हटा लिया हुए, ओके कमिंस, चले कमिंस भी गए, हालांकि मुझे हाँ मैं पता है लेकिन बहुत टफ चॉइस है, बहुत टफ चॉइस है, और अब मैं पुश कम्स टू शव बहुत टफ सिचुएशन में है हम, और मैं चहल, एसआरके, आवेश खान तीनों हैं आपकी टॉप 10 लिस्ट में, मैं अब एसआरके को जाने दूंगा, मैंने बहुत देर तक रखा था लेकिन अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी उनको रखना टॉप 10 के लिए, ठीक है अब देखें कितने रह गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब दो नाम एलिमिनेट करने, अब है आपके डिफिकल्ट टास्क, अब दो है और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 बैटर्स हैं, 4 बल्लेबाज हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, वार्नर और क्विंटन डिकॉक, जिसमें से श्रेयस अय्यर को आप मेरे हिसाब से कप्तानी के रोल पे देख रहे होंगे, हो सकता है ईशान किशन को भी कप्तानी के रोल में देख लिया जाएगा क्योंकि आपके ऑप्शंस कम है, फ्रेंचाइजीज ज्यादा है, डेविड वार्नर,
मुझे लगता है इनको भी आप कप्तानी के रोल में देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंचाइजी ने किसी ने मन बनाया होगा कि भाई मुझे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स है, उन्होंने अगर श्रेयस अय्यर पे सोचा होगा कि हम श्रेयस अय्यर पे कप्तानी हमें चाहिए, श्रेयस अय्यर चाहिए ही चाहिए, अगर उनको नहीं मिलता है तो दे माइट जस्ट सेटल फॉर डेविड वार्नर और ईशान किशन। इसलिए मैं थोड़ा सा एज पे हूं इनको लेके। चहल टॉप 10 रहेंगे मेरे ख्याल से, भी रहेंगे। बहुत टफ है यहाँ पे, बहुत टफ। अब मैं पता है किन किन नामों को लेके थोड़ा सा इफी हूँ, बोल्ट को, मिचेल मार्श को, और अब शायद हर्षल पटेल को। बहुत टफ हो रहा है, ये तीन में से दो जाएंगे मेरे लिए। बोल्ट, मिचेल मार्श एंड हर्षल पटेल आप बोल रहे हैं, इन तीनों में से आपको दो दो निकालने पड़ेंगे मुझे। मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट नाम अब बोल्ट पे जाएगा और फिर एक निकालना पड़ेगा, मैं वो करूंगा। लेकिन इनमें से कोई ऐसा मुझे ट्रेंड बोल्ट के साथ, देखिए वॉर्नर भी अब मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। देखिए मैं आपको एक, हालांकि वो फॉर्म में आ रहे हैं, बट अगर मुझे क्विंटन डिकॉक वॉर्नर, चलिए मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि अगर आपका जो हम दोनों को अग्री करना चाहिए, ठीक है। हर्षल पटेल दो चीजें लेकर आते हैं, बोलर तो है ही जबरदस्त, बैटिंग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दीपक कर सकते हैं, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर है, बैट्समैन प्लस कैप्टन, रबाडा, इनको हम तो अलग ही लग रहे हैं, ये तीन आप छोड़, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर, जेसन होल्डर ऑलराउंडर, वार्नर मेरे हिसाब से अब शायद टॉप पे ना है, चहल बोलर, क्विंटन डिकॉक ऑलराउंडर, कैप्टन नहीं देख रहे ना आप, उनका मैन ऑफ द टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप, बट बाहर जा। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे टॉप 10 में अभी किसी को अगर दो निकालने हैं, आपने नाम आप बताए ना, दो कौन से हैं आपके जल्दी से। यूजी चहल और आवेश खान और क्विंटन डिकॉक, इन तीन में से मैं दो को निकालना चाहूंगा। और मैं पहले क्विंटन डिकॉक तो नहीं जाएगा मेरे, मैं मैच विनर भाई, मैन ऑफ द सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका, मैं तो रखूंगा नहीं। यूजी चहल भी मैन ऑफ द सीरीज खत्म कर रहे हैं ये सीरीज, तो इसलिए तो मैं तो उनको नाम लिया ही नहीं। मैं तो यहाँ था, ट्रेंट बोल्ट के तरफ में था, वॉर्नर की तरफ था, मुझको लगता है जा सकते हैं, इवन हर्षल पटेल तक चला गया था। यूजी चेयर को तो मैं रखूंगा, वार्नर कितना आपको, आवेश खान सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट सीजन यार इंडियन टीम का। देखिए ये हम आप, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो हाईएस्ट बिड होगी इस साल की वो कितनी तक जाएगी? वो तो कोई आए फिर भी 15 करोड़ चली जाए, 18 करोड़ चली जाए, 17 करोड़, 18 करोड़ हो सकता है। अगर उतनी जाती है, मुझे लगता है या तो वो मिचेल मार्श या कगिसो रबाडा, तो या श्रेयस अय्यर। तो चलिए मिचेल मार्श को रख रहे हैं आप, कगिसो को रख रहे हैं, श्रेयस अय्यर को रख रहे हैं। अब मैं वही बता रहा हूँ ना, अब आप बताएं ऑप्शन क्या है। मैं बोल रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट जाते मेरे लिए बाहर लिस्ट में, और शायद वार्नर अब मैं चलाता हूँ, अगर उनको बताओ कैप्टन नहीं देख रहे तो बाहर जाना पड़ेगा, ये दोनों फिर आप बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली ये फंस गए हैं, नहीं फंस गए हैं तो आप डिसाइड तो करना पड़ेगा। आप चलिए आप एक प्लेयर आप एलिमिनेट कर दीजिए, एक मैं कर दूं, ठीक है, डन, विदाउट हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग, एक हम करते हैं एक आप। चलो मेरे लिए तो ट्रेंट बोल्ट है बस, ठीक है। अब पता है इसके लोग क्लिप बनाएंगे, हो सकता है आई एस बिट पे जाए पता है इन्होंने कर दिया था एलिमिनेट। चलिए आप निकालिए एक प्लेयर बाहर, कोई भी, चलो यू कैन। मुझे लगता है यूजी चैल जाएंगे करीब 8-9 करोड़ में, वो खुद ही कह रहे हैं 8 करोड़, उन्होंने कहा ना किसी इंटरव्यू में, नहीं वो मजाक कर रहे होंगे, नहीं नहीं 8-9 करोड़ में जाएंगे, उन्होंने कहा 8 करोड़ में मैं खुश हूँ, कुछ ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा था मैंने पढ़ा। अब मैं भी आप लोगों को दे देता हूँ एक क्लिप के लिए, ठीक है, पता चला हाईएस्ट बिड उनके लिए हुआ है अनफॉर्चुनेटली। दीपक चहर, मैं बोलर को, मैं एक फास्ट बोलर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, जो अलग मुझे पता है ये बैकफायर हो सकता है, और कहीं लोग क्लिप करके क्लिप दिखा के दीपक चहर को ही भेजे, और लेकिन ये लो दीपक चहर बट कह रहे हो बहुत अच्छे लड़के हैं, बट ये है जी हमारे टॉप 10 नंबर्स देखें इनको। हर्षल पटेल, मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, रबाडा, आवेश खान, आई एम सॉरी यार मैंने एक्चुअली दीपक चहर को रखना चाहिए था, कर दें अभी भी आपके पास टाइम, वो आपको दे देते हैं राइट्स टू राइट, ये लीजिए राइट टू मैच हो गया मेरा, अभी भी टाइम है, लिस्ट खत्म नहीं हुई, वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब आवेश को निकाल दें, नहीं किसको निकाल देते हैं, मैं आई थिंक मैं एक, अब आप यार ये डिफिकल्ट हो गया सडनली, मैं आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है आप
प्लीज यू डू नहीं नहीं मैं नहीं ये मैंने अपना कर लिया आपने बोला एक मैंने अपना निकाल दिया बड़ा बड़ा रिस्क लिया है मैंने बोल्ट को पता चले हाईएस्ट बिडर बट अब एक को निकालना था आई डिडंट गिव इट मच थॉट यू हैव टू पिक वन चलिए जल्दी से कितने प्लेयर्स हो सकते हैं जो 10 करोड़ के ऊपर बिक सकते हैं मैं पूछ रहा हूं कितने हो सकते हैं पता नहीं यार 5 7 8 कितने हो 10 हो सकते हैं शायद हो जाए 10 प्लेयर 10 से बजट्स नहीं है उतने बचे पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जल्दी से बताएं यार ये तो आपने मुझे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया मैं चलिए मैं आपके लिए आवेश हो गए 10 फास्ट बॉलर नंबर दे दे इनको 1 चले वो तो कोई भी ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारी जो पिक है ठीक है चलिए नंबर 1 बता दीजिए मुझे जल्दी बताइए हाईएस्ट बिड मैं आपसे वो नहीं करूंगा इस पे और आप मुझे नहीं करेंगे जल्दी बताइए एक नंबर एक ईशान और श्रेयस में से कोई एक एक ईशान किशन श्रेयस अय्यर में से चलिए ईशान किशन बोल रहे हैं आप 1 ओके मुझे एक वो दे दीजिए आप 1 मैं मुझे नहीं पता कि नंबर 1 श्रेयस अय्यर होंगे ईशान किशन बट मैं 2 रवाडा को दूंगा नहीं धोनी आपको 1 पिक करना है अपना कोई भी पिक करिए जल्दी अच्छा मैं भी 1 पिक हां पिक करो बस ये कि हमने आप सबको नंबर्स नहीं देने ऐसे ही गेस करें हाईएस्ट पिक किसका होगा आपने रवाडा को चलिए ठीक है ये थी हमारी लिस्ट स्पोर्ट्स तक की हाईएस्ट बिड्स हमें जो लगता है ऑक्शन में आएंगे हो सकता है कुछ नाम हमारे ज़हन में ना आए हो जो मिस कर गए हो लेकिन उसके लिए लॉट ऑफ और कोई क्लिप वायरल नहीं करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग इनको हमने पिक किया है पर जैसे हमने बताया कब खिलाड़ी का नाम कब आता है ऑक्शन में कितने उसके ऑप्शंस हैं पहले अगर किसी टीम ने ले लिया है कौन सी टीम जिसके पास ज्यादा बजट है वो क्या लेना चाहती है वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती है बाकी टॉप 5 बैटर्स और गेंदबाज उनकी लिस्ट तो आप स्पोर्ट्स टुडे पे देख सकते हैं वहां हमने बहुत सारी ढेर सारी छोटी छोटी लिस्ट बनाई है स्पोर्ट्स टुडे को आप सब्सक्राइब करें वहां देखें फिलहाल ये स्पोर्ट्स तक की टॉप 10 बिट्स 2022